Hi everyone, this is the GM Into Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Olive Board. Swagat hai aap sabhi ka aaj ki session mein. So I hope I am audible and visible and everything is okay, isn't it? Shall we start it? Hopefully. So great. Okay, so ठीक है, वही एक बार क्वेश्चन आता है सभी के माइंड में, या फिर वादा गलत कर दिया, ठीक है? नहीं, वादा नहीं गलत करा, अब जब आएंगे तब आएंगे, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम है यार, मतलब ऑडियो वीडियो मिसमैच एंड एवरीथिंग, इसलिए चलो कोई नहीं, देख लो भाई कल के जो सेशन में मुझे कॉमेंट्स आए थे उसे एक बार फटाफट देख लेते हैं अपन लोग. द वेरी फर्स्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम पारस सिंघल, देन यूनिवर फॉक्स स्टूडियोज. I am preparing for all banking exam for this year. Please tell me from which month I need to start current affairs and is there any required additional source of. No, you don't have to look after any other source, okay? You can just rely on this source. You don't need to worry. Then Rakesh, Aman, Sakshi, Paramjeet, Sumit, KK. Oh no, why you have put this name? Abhishek, Naman, Anivesh, Anupreet and Madhurima. These people have answered in yesterday's session. सो थैंक यू फॉर आंसरिंग. रेस्ट ऑल्सो अगर आप लोग नहीं आंसर कर रहे हो तो अब आंसर करना शुरू कर दो. अब वक्त आ चुका है कि आप लोग डेली बेसिस पे आंसर करो, खून को खोलाओ और आंसर करना शुरू करो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, मजा नहीं आता पढ़ने में. मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज हुआ है, इट्स ऑल इन आवर हेड. ये सब हमारे लोगों के दिमाग में है, जो भी चेंज वगैरह हम लोगों को लगता है, कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि धीमे धीमे मैं और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है? सो व्हेन वी आर ऑलरेडी मेकिंग अ परसेप्शन कि नहीं अभी पहले जैसा नहीं है या इसके जैसा नहीं है, तो उस टाइम पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि कीप दैट थिंग अपार्ट एंड ट्राई फोकसिंग ऑन सेशन, ठीक है? उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी. नाउ यू कैन सी हियर दीज आर द फिट बैच. देखो अभी अपन लोग जो है ना फिट बैच लेकर के आ रहे हैं, ये फिट है आपकी फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड टॉपर. सो हूसोएवर इज इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दिस बैच. फॉर जॉइनिंग दिस बैच यू कैन यूज द कूपन कोड SUSHMITA. नाउ दिस इज फॉर RRB स्पेसिफिक, नेक्स्ट इज ऑल्सो फॉर SBI PU एंड SBI क्लर्क स्पेसिफिक. सो Whoever is interested, you can join this batch. If you're joining this batch, तो आप लोगों को LPS मिल जाएगा. LPS के साथ में आप लोगों को live classes, daily PDF सब मिलेंगी. Plus यहाँ पे आपको industry expert और toppers की भी guidance मिलेगी. Okay, so you can join our batch and remember, whenever you are joining the batch, you'll have to use the coupon code SUSHMITA. देन आपका ये बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर ये भी चल रहा है, ठीक है? इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट सिडबी का अगर आप इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो ये भी कर सकते हो. रिमेंबर वॉट एवर कोर्स यू आर ज्वाइनिंग यू विल हैव टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA. ओके, नाउ अनदर, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर इट योरसेल्फ. ऑब्वियसली दिस इज जस्ट सो ट्रू, ठीक है? हम लोग आपको रास्ते दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपका काम है. हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ चलो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग आपको ले जा करके वहाँ तक पूरा छोड़ कर आ सकते हैं ना. कहीं ना कहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब टीचर आपको जो है छोड़ देगा कि अब आप लोग फर्दर अपने से ही चलना है आपको यहाँ पर, इज़न्ट इट? तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि भाई आप लोग पूरा डिपेंडेंट हो जाओ. मेरे कहने का ये मतलब है कि, और ऐसा होता भी नहीं कि आप पूरे डिपेंडेंट होते हो. आप लोग बहुत हद तक अपने आप से सब कुछ कर लेते हो, सब कुछ आपको समझ जाता है. जहाँ पर गाइडेंस होती है वहाँ पर हम लोग होते हैं. बट कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम लोगों को लगता है कि हमें कोई गाइड करता रहे या हमारे टीचर्स हमारे साथ होते रहें, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी बना देती है हमारी. उस डिपेंडेंसी को कम करना है एक लेवल तक, दैट इज़ गुड. बट ओवर डिपेंडेंट, दैट इज़ नॉट गुड. क्यों मैं कह रही हूँ ओवर डिपेंडेंस गलत है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग खुद को कहीं ज़्यादा डिपेंडेंट रखते हैं तो हमारी अपनी जो सोचने की क्षमता है या जो हमारी कैपेसिटी है, हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए. तो हमें ये सोचना चाहिए नहीं, वी कैन डू दिस एंड वी आर बेटर, सो वी नीड टू डू इट ऑन आर ओन. और आप अच्छे डिसीजंस भी ले सकते हो, ठीक है? ये प्रॉब्लम इनडिसाइसिव होना और बार बार अपने आप पर डाउट करना, ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है. ये मेरे साथ में भी है. बट वी कैन डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू मूव ऑन आर पाथ, इज़न्ट इट? My rank was 12 in LPS today. Congratulations for that, real Ken also. That is a very good thing. Voice, is there any problem with voice? Anyone who is having an issue with that, like with voice? किसी को ऐसा लग रहा है क्या?
just so you people are asking so much about it, let me just give you a hint over here. ठीक है, एक सेकेंड बस सभी रुकना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो रिगार्डिंग बोर्ड. तो सी मैं कैसे दिखाऊँ तुम लोगों को, एक सेकेंड. हाँ देखो भाई, ये तुम लोगों को दिख रहा है, ये बोर्ड है, ओके, ये बोर्ड लगा हुआ है और बिल्कुल कैमरा भी है, लेकिन अभी इन दोनों का आपस में कुछ मैच नहीं चल रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है. दोनों की इंटरकनेक्शन आपस में बहुत पुअर हो रखी है, मतलब कि या तो वॉइस या तो वीडियो कुछ ना कुछ हिंडर कर ही रहा है. जस्ट सो यू पीपल बिलीव मी, इसलिए ये भी देख लो, हेयर इज़ द कैमरा. ठीक है, सो सब कुछ है, बट अभी मेरी किस्मत सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसको भी सही हो जाने दो, सब अपने आप रोल ऑन हो जाएगा. ठीक है, वॉइस लो है. पूरा सेट ही दिखा देते, ठीक है, वो भी दिखा देंगे. एनीवे ये बताओ, इज माय वॉइस ओके, शैल वी स्टार्ट द सेशन, बिकॉज बहुत सारा टाइम इधर उधर हो गया, नाउ वी शैल स्विच टू द सेशन. ओके ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द सेशन इज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑलरेडी इट्स 10:12, सो 12 मिनट्स आर गॉन. And now we have to start it. One more thing, whosoever is facing problem, please maximize it, okay? The volume, you need to maximize it so that you can get a pure configure, okay? Anyway, now see here. As we all know, yes, tribute to KK from all of our side. Although not just KK, also Sidhu Moosewala, he also died recently, okay? So it is not like I just wanted to... obviously he was a legend, and anyone who is dying, he was a legend, or for his family, for her family, or for some or the other people, but a generation has been listening to his song, so obviously it was like a very touched thing, isn't it? We had that connection. Anyway, so just a tribute to him, he recently passed away. So we all know, unfortunately, he will be a part of the obituary news we had never thought of, okay? So as soon as he passed away, several concerns were raised that the artist of a country, they are taken for granted, and also it was said that these concerts, it is not providing them proper facilities. There are several kind of things, because he felt some kind of congestion, there was no AC or anything, so several things was done, isn't it? He was just 53 years old, that was another thing, that just in this age he passed away, and also there was no ambulance facilities or anything, okay? So that was all done. Now you need to remember, he was a national award winner, and apart from KK, there had been some other singers who died in past days, like Lata Mangeshkar, Bappi Lahiri ji, then Sidhu Moosewala, who recently died, okay? So these are those modern era singers, also some classical singers who have passed away. So I'll be compiling a list and will be giving you, because throughout the year we have been hearing the news of sad demise of the celebrities, okay? So I'll be compiling a list and will be giving you. Anyway, so indeed he was my favorite as well, and I was unable to believe on this that he actually he is dead, okay? Anyway, so may God give his strength to his family and all the closed ones to bear this. Now moving to the next, we'll be having a compiled obituary list that I'll be giving you people, so that you can have a learning. Also, I'll simply categorize all the singers, the actors, the industrialists, all this whosoever has recently died. Now moving to next. World Milk Day. So this World Milk Day, it is celebrated every year on 1st of June. हर साल 1 जून को हमारे देश में World Milk Day होता है. So why is it being celebrated? See, the FAO, that is the Food and Agriculture Organization, FAO is the one who has adopted this day. And the day, it is marked as Global Food to celebrate the dairy industry. You can simply say whatever are the activities that is connected with the dairy sector, to give them a proper focus, to make people aware of their activities. That is why is day ko hum celebrate karte hain, what, World Milk Day. So every year it is celebrated on 1st of June.
there is this Operation Flood. The Operation Flood relates to the White Revolution. White Revolution is what? Like we have learned about the Purple Revolution. It related to lavender cultivation. Similarly, this White Revolution. White Revolution आपका milk के ऊपर है. कह सकते हो आप लोग basically मिल्क अपने वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पर जो है आप लोग मिल्क वगैरह देखो उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, बट धीमे धीमे वाइट रिवॉल्यूशन आया. एंड हु इज़ गिवन ऑल द क्रेडिट फॉर वाइट रिवॉल्यूशन? मिस्टर वर्गीज कुरियन. ओके, डॉक्टर वर्गीज कुरियन. सो ही वॉज द रिवॉल्यूशनरी और ही वॉज द वन हु फाउंडेड दिस ऑपरेशन फ्लड और मिल्क रिवॉल्यूशन. बिकॉज ऑफ हिम आर कंट्री इज नाउ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर of the milk, also the country's biggest consumer of milk as well. So India's biggest consumer and the producer of milk in the whole world. Apart from India, it is USA, then it is USA, Pakistan and China. So remember the series: India, USA, Pakistan, China. These are the biggest milk producers of the world. India is the producer and also the consumer of milk, biggest consumer. So it was all done with the help of Mr. Varghese Kurien. Under him only the Gujarat Milk Cooperative, the NDDB, all these things were founded under his guidance. Okay, apart from that, also remember that to the birth anniversary of Dr. Varghese Kurien. His birth anniversary is what? It is 26th of November. Okay. 26th of November. So every year this 26th of November, it is considered as what? It is considered as National Milk Day. I always told you people, there is this World Milk Day, then there is this National Milk Day. हमें ध्यान में रखना होगा कि आपसे वर्ल्ड पूछा जा रहा है या नेशनल. कल जब मैंने आपके साथ में हिंदू दिवस की डिस्कशन की थी, देन ऑल्सो आई टोल्ड यू कि एक आपका नॉर्मल हिंदू दिवस होता है, फिर आपका एक वर्ल्ड हिंदू दिवस होता है. ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने होंगे. सिमिलरली वर्ल्ड मिल्क डे आप लोग अगर याद रखे रहो तो ये आपका होता है हर साल 1st of June. नेशनल मिल्क डे हर साल होता है 26th of November टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन. रिमेंबर हिम. ओके, नाउ रिमेंबर लास्ट ईयर ऑन दिस डे गोपाल रत्न अवार्ड वॉज अनाउंस. ठीक है, लास्ट ईयर इस दिन क्या किया गया था? गोपाला रत्न अवार्ड अनाउंस किया गया था कि इस दिन दिया जाएगा जिनका भी कंट्रीब्यूशन है मिल्क सेक्टर में. ठीक है, अच्छा, इसके साथ में और आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि इस बार का जो इनका एम है, जो गोल है, वो क्या है? वो है डेयरी नेट जीरो. अब डेयरी नेट जीरो का क्या मतलब है बच्चों? डेयरी नेट जीरो हेयर मीन्स दैट डेयरी सेक्टर से जो भी एमिशंस होते हैं उसको कम करने की कोशिश की जाएगी. तो इस बार का जो इनका एम है, दिस इज डेयरी नेट जीरो. अगर हम लोग कुछ बातें कर लें रिलेटेड टू मिल्क, सो रिमेंबर दैट रिसेंटली कर्नाटका, इट हैज़ बिकम द वेरी फर्स्ट स्टेट इन आर कंट्री टू ओपन अ मिल्क कोऑपरेटिव बैंक. ठीक है, कर्नाटका हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने वहाँ पे मिल्क कोऑपरेटिव बैंक शुरू कर दिया है. और इस बैंक का नाम क्या है? नंदिनी शीर कोऑपरेटिव सहायक बैंक. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि सरकार इसके लिए अपनी तरफ से कितने पैसे दे रही है? एनीवन हु कैन आंसर? अपार्ट फ्रॉम दैट, जेरी हैमलेट. कौन सा? जेरी हैमलेट. इसको क्या उपाधि दी गई थी? मिल्क विलेज. क्या उपाधि दी गई? मिल्क विलेज. ये आप सभी लोग याद रखे रहेगा. नाउ मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हमारे वहां पर जो आपका शीर नंदिनी कोऑपरेटिव बैंक बन रहा है, इसके लिए सरकार ने कितनी राशि से मदद करने को कही है, कितनी अमाउंट देने को कहा है? एनीवन हु कैन आंसर? जितने भी लोग अभी फिलहाल में सेशन में हो. नहीं बताओगे? ओके, सी मेरा आपसे क्वेश्चन था कि कितने देने को कहें. अब याद करो, अगर आप लोगों को कुछ याद आता हो 100 करोड़ से, किसी को याद आता हो तो ठीक है. खैर, एनडीडीबी के चेयरमैन आपके शाहजी हो जाते हैं, तो उनको सभी लोग जरूर याद रखे रहना. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 80 करोड़, 100 करोड़, 75 करोड़, 1200 करोड़, 100 करोड़, दुनिया भर के मुझे आंसर्स मिल गए. ठीक है, कोशिश करो कोई लोग सही बता दो. ओके, सो माई क्वेश्चन वॉज इसके लिए कितने रुपीज़ एलोकेट किए हैं सरकार ने, ये आप लोग मुझे बताना. अब हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो भाई, थीम डेयरी नेट जीरो था. अगर हम बात करते हैं आपका एफईओ कहाँ पर होता है, तो इसका हेड ऑफिस है रोम लाजियो, डायरेक्टर जनरल है कुडोंग्यू, फाउंडेशन हुई थी 16th of October 1945 को, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. भारत ने पहला
अपने वहां पर इप्सा जूडो ग्रैंड प्रिक्स जीता है, एक अपने भी बहुत बड़ी उपाधि है। इंडियन ब्लाइंड और पैरा जूडो आर्टिस्ट जो हैं, इन्हें इसके लिए कहीं ना कहीं सैल्यूट भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद था जब लोगों का ज़्यादा ध्यान गया कि अब हमें यहाँ पर भी फोकस करना चाहिए। ओवरऑल 21 कंट्रीज थी जो इस पूरे ग्रैंड प्रिक्स में पार्टिसिपेट की थी। इन 21 में से 18 कंट्रीज कोई ना कोई ऐसे मेडल्स जीते हैं, इंडिया ने भी जीते हैं मेडल्स, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग भी जीते हैं। अब ज़रा हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो, अभी अभी इंडिया ने अपना पहला मेडल हासिल किया इप्सा जूडो ग्रैंड प्रिक्स। ये आपका नूर सुल्तान, कजक की एक शहर है, मतलब यहाँ की कैपिटल ये नूर सुल्तान, यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। इप्सा ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ही अपने वहाँ पर किया है ऑर्गेनाइज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 7 कंट्रीज थी जो कि गोल्ड मेडल अर्न की हैं पहले ही दिन 8 कैटेगरीज में इस प्रोग्राम में। टर्की एक ऐसी कंट्री थी जो कि 2 बार कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, इसमें जीती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब जरा सभी लोग फिर ध्यान दीजिए, 100+ जूडोकास थे 21 कंट्रीज से जो कि कॉम्पीट किए थे गोल्ड के लिए। टर्की, ईरान, उज्बेकिस्तान, रोमानिया, जापान, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, सभी के सभी जो हैं कहीं ना कहीं अपने पोडियम की टॉप पर थे ओपनिंग डे पर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, दोनों क्लासेस J1 और J2 कैटेगरीज में मेन और वुमेन को याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे लिए तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब कोई इंडियन हमें देखता है। फिलहाल में आप यहाँ किसी इंडियन को नहीं देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ऐसे आपको कोई बहुत कम ही इंडियन दिख रहे होंगे। इधर देखिएगा मुकेश रानी, ठीक है, इन J1, ठीक है, मुकेश रानी इधर आप इनको देख सकते हो। ओके, सो देयर विल बी अ क्वेश्चन, ये किस गेम को बिलोंग करती हैं या मतलब कौन है इनमें से, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज़रूर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ी और बात कर लें, क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं कि इप्सा कहाँ पर हुआ था, कजाकिस्तान या कजाकिस्तान नूर सुल्तान में हुआ था, और कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की थी, 21, कितनी कंट्रीज़ जो है इसमें अभी तक मेडल्स जीती हैं, 18 जीती हैं, ठीक है। मुकेश रानी किसको बिलोंग करते हैं, किस गेम को बिलोंग करते हैं, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो, खैर, अभी हाल फिलहाल में आपका IPL भी हुआ था, ठीक है। IPL में गुजरात टाइटंस ये इस बार की विनर थी, मतलब ये आते ही घुसते ही जीत भी गई अपने गेम को, ये बड़ी चीज़ हो गई थी इनके साथ में, ठीक है। अब हम बात करें ऑरेंज कैप मैक्सिमम रनर्स, ठीक है। तो ऑरेंज कैप मैक्सिमम टाइम किसको दिया गया, डेविड वार्नर जी को दिया गया, ये याद रखिएगा फिर से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जब इस बार अपना IPL हुआ है तो इसमें शिखर धवन जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और शिखर धवन जी का जो रिकॉर्ड इसमें बना था वो था 700 का, 700 चौके लगा दिए इन्होंने, ठीक है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि शिखर धवन किस टीम को बिलोंग करते हैं? हालांकि ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन तब भी अगर बता सको कि शिखर धवन किस टीम को बिलोंग करते हैं, नहीं बताओगे? हाँ, मतलब ये तो तुम लोग ऐसे होगे कि सोते जगते भी बता सकते होगे किसको बिलोंग करते होंगे। ठीक है, हाँ भाई, ओके, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा एक और बात, अभी एशिया कप हो रहा था, एशिया में इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया, ठीक है, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, ये भी ध्यान रखे रहना। अब मैं थोड़ा सा, मेरे पीछे पीछे ये सब छुप जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, तो ये इसमें आपके इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंडिया बीट्स इंडोनेशिया। फिर आपको क्या हुआ था इंपॉर्टेंट, एक प्रीमियर फुटबॉल चैंपियंस लीग हुई थी, इसमें मैनचेस्टर जीता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद से अभी भी किसने अपना इस्तीफा दिया है, नरेंद्र बत्रा जी ने दिया है, तो इनको भी याद रखे रहना भाई, नरेंद्र बत्रा जी ने अभी रिजाइन दिया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अपने प्रेसिडेंट की मतलब अपने सॉरी अपनी पोजिशन से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक वर्ड तब से देख रहे हैं, इप्सा, तो इप्सा एक होता है आपका इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, उससे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे इप्सा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इप्सा का मतलब होता है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हो तब से इप्सा, इसका क्या मतलब होता है, ये होता है आपका इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि ये जो ये लॉन्च किया जाता है आप लोगों का, ये एक तरीके का आपका जूडो कंपटीशन है, हम देख ही रहे हैं जूडो कास्ट, ठीक है। तो ये जूडो का एक कंपटीशन होता है जहाँ पे जो भी पैरा एथलीट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उसी में भारत से मुकेश रानी जी को आप लोगों को याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ा जाए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी,
इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, कोई वो तो नहीं हो रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना? ओके, अनुष्का शर्मा इज हियर प्रपोजिंग मी, विराट कोहली मस्ट बी क्राइंग इन अ कॉर्नर विद हिज पिलो। नाउ अगला देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट 59th महाअधिवेशन ऑफ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन एट उज्जैन। एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ऐसे देख लेते हैं क्या है, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। देखो, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद जी, अभी अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया है 59th महाअधिवेशन ऑफ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, कहाँ? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इसके साथ में इन्होंने नई बिल्डिंग भी जो है इनॉग्रेट की थी गवर्नमेंट की, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या किया था? गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, और ये इन्होंने उज्जैन में किया था। बेसिकली क्यों किया जा रहा था? ताकि आप लोग कह सकते हो जो आयुर्वेद को लेके लोगों के अंदर लेकर के अवेयरनेस है उसको और बढ़ाया जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आ सकें। जैसे आयुर्वेद के नाम पर लोग कुछ भी कर लेते हैं, मतलब कुछ भी जड़ी बूटी डाल देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई भी बैठ जाएगा आयुर्वेद पे, कहीं भी आप लोग देखोगे कोई बैठ के आयुर्वेद का डॉक्टर बना हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। क्वालिफाइड डॉक्टर हो, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे सके लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के देश में आयुर्वेद पे लोगों का एक अलग भरोसा होता है। आयुर्वेद और होम्योपैथ, लोग कहते हैं कि होम्योपैथ कराएंगे ये वाला, अब हमें जो है इसमें होम्योपैथ पे जाना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि होम्योपैथ से भले देर में सही होगा पर हो जाएगा, ऐसा लगता है ना? तो कहीं ना कहीं हमें इस पर फोकस्ड होना चाहिए। खैर, तो इन्होंने कहा कि जैसे आयुर्वेद है इसको लेकर के लोगों में थोड़ी और जागरूकता लाई जाए, ताकि कुछ हम लोग जो है इस पर और शिफ्ट हो सकें, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आ सकें, क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, ट्रीटमेंट अच्छी लोगों को मिल सके, जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च बढ़ा सकें। ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया गया है। ये ज़्यादा आपको याद रखना है, जो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में तब भी ज्यादा बनेंगे, ठीक है? महाअधिवेशन वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। खैर, यहाँ पे आप देखिएगा मध्य प्रदेश के अपन लोग अगर बात करें तो कैपिटल क्या है? भोपाल है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी होते हैं। अगर हम लोग मध्य प्रदेश को थोड़ा सा और बात थोड़ी सी और डिस्कशन कर लें कि मध्य प्रदेश जो है आपका यहाँ पे कितनी सीट्स वगैरह हैं, ये हम लोग करते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है, इजंट इट? सी, इट्स सो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कहा जाता है भारत का दिल, सेंटर में स्थित है हमारे वहाँ पर। और तुम लोग में से कोई है मध्य प्रदेश का यहाँ पे? खैर, मध्य प्रदेश ने कौन सा स्टेट बाइफोकेट किया था? बहुत आसान हो जाएगा सवाल, बट रिमेंबर इट इज छत्तीसगढ़, जो कि इससे बाइफोकेट होकर के निकला था। कौन सा था? छत्तीसगढ़। ओके, हाँ, ये आप लोग को याद रखना होगा कि इसे बाइफोकेट करके निकला था ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग अगर थोड़ी सी बातें कर लें कि यहाँ के सीएम तो आपके शिवराज सिंह चौहान जी हो जाते हैं, गवर्नर कौन होता है? मंगू भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? मंगू भाई पटेल। ओके, मुझे जब लोग पहले कहते थे मंगू चंगू तो मुझे लगता था क्यों ये सब बातें लोग कह रहे हैं, तो मैं सोची कि अच्छा ये लोग इनका शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, तो मतलब सोचो गवर्नर का भी सब शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं बैठ के। खैर चलो, लेजिस्लेचर की अपन लोग अगर बात करते हैं इधर, तो जो यहाँ पे लेजिस्लेचर है ये यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब समझते हो ना? सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, कितनी सीट्स इसमें होती हैं ये अलग आपसे पूछा जाएगा। 230 सीट्स होती हैं इसके अंदर, यूनिकैमरल है। फिर बात आती है लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीट्स होती हैं, तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है? हाँ भाई, लोकसभा की आपकी कितनी सीट्स होती हैं? 29। राज्यसभा की होती है 11। मैक्सिमम लोकसभा की सीट्स आपकी यूपी के अंदर होती हैं, ये 80 होती हैं, और मैक्सिमम राज्यसभा की भी सीट्स यहीं पर होती हैं 31, ठीक है? ये मैक्सिमम सीट है किसी भी स्टेट की जो यूपी के पास में है, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी में क्या मैक्सिमम है? एमपी में मैक्सिमम नेशनल पार्क्स हैं, एमपी में मैक्सिमम आपके नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, और एमपी में ही मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है। तो ये तीन चीज़ें आप लोग याद रखे रहेगा, मैक्सिमम नेशनल पार्क, टाइगर्स, फॉरेस्ट एरिया कवर्ड, ये तीन का तीन आपका एमपी में ही है, ठीक है? हाँ, लेकिन एक और भी बात आप लोगों को साथ में ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर, तब तो कह रहे हैं कि हाँ चलो तब तो आपका एमपी है, लेकिन अगर आपसे कभी कोई कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर किस पर्टिकुलर इसमें है, हाँ किस पर्टिकुलर स्टेट में है, तो वो आप लोगों को याद रखना होगा, वो सॉरी किस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में है, तो वो आपको याद होना चाहिए जिम कॉर्बेट की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है? किसकी? जिम कॉर्बेट। ओके, यस, चलो अब हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है? पब्लिक सेक्टर बैंक का डबल
हुआ है नेट प्रॉफिट लगभग 66,500 करोड़ तक FY 2022 में। देखो भाई अभी अगर हम लोग ध्यान दें तो पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी हो रही है काफ़ी। अगर इस तरीके से अच्छी रही तो बहुत अच्छी बात है। वी डोंट नो व्हाट इज ऑन पेपर, वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आर द फिगर्स, बट हमें जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक आर परफॉर्मिंग वेल, जो कि एक अच्छा साइन है। जितना अच्छा करेंगे उतने ज़्यादा वो वैकेंसीज लेकर आएंगे, उतनी तुम लोगों के लिए बढ़िया होगी, प्राइवेटाइजेशन का खतरा कम होगा अगर ये अच्छा कर रहे हैं। इसमें से एक दो बैंक अभी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बाकी के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो तुम लोग बनाओ कि ऐसे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रहे, जो यहाँ बताया जा रहा है ऑन पेपर वो यहाँ की रियलिटी भी है, वो सच में ऐसा चल रहा है अंदर यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो फिर तुम लोगों के लिए वैकेंसीज बढ़ती हुई दिखेंगी। चलो खैर, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बताया गया है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है ये इस साल में डबल हो चुका है FY 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022। अगर कभी भी आप देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर 2022, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 या आपका FY 2022 होगा। इसमें बताया गया कि जब कंबाइन कर रहे हैं प्रॉफिट हम 12 स्टेट ओन बैंक्स का, तो ये 66,359 करोड़ है, जो कि 110% इंक्रीमेंट है पिछले साल से। पिछले साल कितना था? 31,816 करोड़ का। इस साल काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इस साल ज़्यादा होने के रीजंस भी हैं। रीज़न ये है कि पिछले साल तो पैंडमिक की वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस थी, बहुत सारे जगह पे बंद हो गए थे दुकान, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, लोग अपने लोन्स नहीं दे पा रहे थे, मॉरेटोरियम था तमाम और सेक्टर्स में पैसे देने थे। बैंक सीधा सीधा ये सोच रहे थे कि लोगों को लोन देने से अच्छा है हम लोग RBI के पास पैसे डाल दें, ये सब बहुत चल रहा था, जिस वजह से बैंक्स की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अभी पिछले साल देखा जाए तो कंपैरेटिवली बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, और अच्छी होकर के कितनी बढ़ गई है, 110% का इजाफा देखा गया है यहाँ पे। अब जरा याद रखिएगा कि अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करते हैं, तो उस टाइम जो है ओनली 2 out of 21 PSBs रिपोर्टेड प्रॉफिट। बहुत बड़ी बात है कि जब हम आज से 4 साल पीछे जाते हैं तो एक ऐसा समय था जब 21 PSBs में से केवल और केवल 2 ही जो है बैंक्स वो प्रॉफिट दिखाई थी। लेकिन 2021 की अगर हम बात करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर, तो केवल 2 ही बैंक्स हैं जिन्होंने लॉस दिखाया। एक आपकी सेंट्रल बैंक है, दूसरी आपकी पंजाब एंड सिंध है। पंजाब एंड सिंध को सरकार ने अपनी तरफ से इन्फ्यूज भी किया कैपिटल, लेकिन फिर भी वैसे इनकी परफॉर्मेंस अभी नहीं देखने को मिल रही है। अब थोड़ी और हम लोग बात समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मर्जर क्यों किया गया? मर्जर के अलावा ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं था। जिस भी वजह से बैंक्स की परफॉर्मेंस खराब हुई थी, वी आर नॉट हियर टू ब्लेम गवर्नमेंट, वी आर नॉट हियर टू ब्लेम एनीवन, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में हमारी हेल्प करता है। तो देखो, मर्जर अगर नहीं किया जाता तो ये सारी यूनिट्स अभी तक अपनी सेपरेट चलते हैं, लॉस अकेले का बियर करते। जब मर्ज कर दिया गया तो एक लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट को कर दिया गया था एक प्रॉफिट मेकिंग के साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रॉफिट मेकिंग थी वो लॉस मेकिंग का बिजनेस अक्वायर करके अपना बिजनेस एक्सपेंड करी, उनके अलग अलग जो भी डेट्स थे उसको कंप्लीट करी, प्लस अपना कस्टमर बेस बनाई। कस्टमर्स का ट्रस्ट रहेगा कि हाँ अब ये बड़े बैंक में आ चुका है तो वो और उसमें एक्साइटेड होकर अपने डिपॉजिट्स हो गए या कुछ हो गया, क्योंकि अगर छोटा मोटा बैंक है उन्हें लग रहा है, सुनने में आ रहा है ये बंद होने वाला है या ये तो बहुत लॉस में चल रहा है, बहुत घाटे में चल रहा है, कस्टमर भी अपना ट्रस्ट खोएगा। कस्टमर ट्रस्ट होएगा तो वो आपके पास से जाएगा, और विदाउट कस्टमर कैसे कोई पॉसिबिलिटी है कि बैंक अच्छा करेगी। ओके, सो ओवरऑल एक आप लोग कह सकते हो कि यही सॉल्यूशन था कि अपने वहां पर इनको मर्ज कर दिया जाए, जो भी उस वक्त के हालात हो गए थे उसके हिसाब से। एनीवे चलो, सो यहाँ आप लोग देख सकते हो फिलहाल में, और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका हुआ है? SBI ₹31,765 करोड़, 55% हायर देन लास्ट ईयर। बैंक ऑफ बड़ौदा 7272 करोड़, कनारा बैंक 5678 करोड़। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोग देख रहे हो किसका किसका प्रॉफिट हुआ है वो आपने देखा, सबसे आगे SBI है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर कनारा बैंक है। अब आपको एक कंफ्यूजन आ सकती है, कल तो मैडम ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पढ़ाया था, तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ग्रोथ परसेंटेज शो करा है, लेकिन ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है किसका हुआ है? SBI का हुआ है आपके एडवांसेस में, उसके बाद UBI का था, इन दोनों के बाद में कहीं आ रहा था ये। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन ग्रो किया है? उसमें सबसे ज्यादा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ग्रो किया है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। एक और बात याद रखिएगा, रेवेन्यू सबसे ज्यादा किसका बढ़ा है? रेवेन्यू सबसे ज्यादा बढ़ा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब आप सोचोगे नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू आप जो पा रहे हो उस रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को हटा दोगे आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है? कहीं हमें अपने दिमाग और नहीं लगाना है, याद रखे रहो। सबसे ज्यादा
रेवेन्यू बढ़ा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, नेट प्रॉफिट हुआ है सबसे ज़्यादा SBI का, परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। ऐसे आपको याद रखना होगा ये तीनों के तीनों पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में हमारे देश में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? फिलहाल में हमारे देश का पब्लिक सेक्टर बैंक है टोटल 12, ठीक है, टोटल 12 अपने देश के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंक्लूडिंग SBI, इंक्लूडिंग SBI टोटल आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जो कि शेड्यूल्ड हैं, जो कि RBI की सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं, ठीक है। और इनके लिए खास बातें क्या होनी चाहिए, कभी भी कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनना चाहता है या शेड्यूल बैंक होना चाहता है तो उसका पेड अप कैपिटल हमेशा 5 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के वो बन सकता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अपन लोगों को याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पॉइंट आप मिस करते हो तो समझ लेना आपके लिए खतरे की घंटी है वो पॉइंट मिस करना, ठीक है। नाउ क्या आप मुझे बता सकते हो SBI का हेड ऑफिस कहाँ पर होता है? SBI का हेड ऑफिस होता है मुंबई, सबसे ज्यादा प्रॉफिट। बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज्यादा रेवेन्यू वडोदरा, ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ पुणे, ये भी याद रखो, ठीक है। चलो ये देख लो, द हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ बैंक ऑफ बड़ौदा, प्राइवेट बैंक्स रजिस्टर्ड नेट प्रॉफिट। देखो प्राइवेट बैंक अलग ही चल रहे हैं, 91,000 करोड़ का जो है वो था प्रॉफिट था, तो हम लोग अभी पब्लिक सेक्टर की बात करें 66,000 करोड़ था, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का 91,000 करोड़ का प्रॉफिट था, दैट इज अ ह्यूज, इजंट इट? ह्यूज क्यों है? क्योंकि ये उनसे कह सकते हो आप लोग उनका 50% और ज़्यादा है। और प्राइवेट सेक्टर जो है लास्ट टाइम भी अगर हम देखें तो मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो लॉस मेकिंग थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर लॉस मेकिंग नहीं थे, जैसे कोटेक हो गया, इंडसइंड हो गया, HDFC हो गया, ये सब कोई लॉस मेकिंग नहीं थे, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस वाले थे सबके सब। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी देख लीजिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो NPA था कल हमने पढ़ा था ये घट करके 0.97 पर आ चुका था, ठीक है, नेट NPA भी ग्रॉस NPA भी कंपैरेटिवली आधा हो चुका है अपने वहाँ पर। बहुत ही बढ़िया बात है कि कोई बैंक इतनी तेजी से अपने आप को क्या कर रहा है, मेंड अप कर रहा है। ओके, सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। अब अगला देख लो, बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है BSF और BGP के बीच में, ठीक है, और ये बांग्लादेश में बताया जा रहा है कि हो रहा है। देखो बेसिकली अगर हम लोग इसकी डिस्कशन करते हैं कि बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो इसका मकसद क्या होगा, क्यों ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, इसको करने का आप लोग बेसिक कह सकते हो एक मकसद होगा कि जो भी बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशन होगी उसको किया जाएगा, कैसे बॉर्डर अच्छा मैनेज कर सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ की। इसके अलावा हम देखते होंगे, आज मैं एक खबर पढ़ी कि एक 22 साल की लड़की है जो नदी से तैरते हुए बांग्लादेश से यहाँ पर आई है कोलकाता में, और अपने FB के लवर से शादी करने को कही है, और वो लोग शादी भी कर लिए हैं फिर पता नहीं कहाँ जा करके। तो मतलब सोचो तुम, बांग्लादेश से तैरते तैरते आके शादी कर ली। अब यार ये तो सोचने वाली बात है कि भाई ये ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि कोई भी घुसा रहा है देश में। मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई, प्यार पे कोई रोक नहीं है, प्यार का ऐसा बंधन है, अब मन होगा शादी करेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर नहीं रोक लगा रहे हैं, तुम करो, लेकिन कम से कम सही रूट तो रखो कहाँ से तुम्हें आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर रूट से आते, इससे अच्छा तैर के आने की क्या ज़रूरत थी, इतनी तो मेहनत करी हो, ट्रेन व्रेन की टिकट लो या जो भी तुम्हारी रूट है उससे आना आराम से कम इन्फॉर्म तो रहेगा। खैर, तो ऐसी हरकतें ना, नहीं ऐसी हरकत रोकने की बात नहीं है, सीधी सीधी बात यह है कि भाई चलो ओवरऑल, मतलब ये तो इसका तो इससे कोई लिंक भी नहीं है, मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, ओवरऑल ये करने की कोशिश की जाती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सके, अच्छी मैनेजमेंट हो सके इन लोगों के बीच में, इल्लीगल एंट्री को ख़त्म किया जाए, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स हो गया, ठीक है, या बाकी आइटम्स हो गए, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस हो गए, इन सबको ख़त्म किया जाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके दोनों देश के बीच में, इस वजह से इसको कंडक्ट किया गया है। तो BSF और BGB, BSF हम सभी को पता है ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, ठीक है, BGB की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो ये क्या होता है, ये होता है आपका BSF रीजनल कमांडर BGB के साथ में मिले थे। देखो ओवरऑल ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं आपको तब से समझा रही हूँ, यही कि आपस में सिक्योरिटी अच्छी करें। अब BSF की तरफ से कौन आए थे ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, BGB को याद रखे रहना भाई, BGB की तरफ से जो है TG चौधरी पार्टिसिपेट किए थे, और ये जो TG चौधरी हैं ये बांग्लादेश की जो फोर्स है इसके रीजनल कमांडर हैं। हमारी तरफ से BSF के इंस्पेक्टर जनरल IG हैं, तो ये हैं आपके सुमित शरण जी, इन दोनों लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट, यहाँ पे सारा लिखा भी हुआ है, ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गानी चौधरी, ठीक है, TG चौधरी ये रीजनल कमांडर हैं, चित्तगोंग से लीड कर रहे थे बांग्लादेश डेलीगेशन को।
अगर हम अपने वहाँ की बात करते हैं तो ये सुमित रंजी कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस सभी एस्पेक्ट को कवर करेगा, इसके साथ में इलीगल एंट्रेंस वगैरह पे डिस्कशन की जाएगी कि कैसे हम लोग उसे कम कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है जो शायद आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलती हूँ कि BSF के चीफ कौन होते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ BSF DG, कौन है, किसी को पता है? फिलहाल की ही बात कर रही हूँ। ओके ठीक है, अब तुम लोग ये देखना पंकज कुमार कौन है, पंकज कुमार ये कौन है, ये तुम सभी लोग देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है इन लोग मतलब एक ना एक क्वेश्चन इन जनरल आते हैं तो हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अपनी तरफ से BSF, उधर से BGB, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ये दोनों मिलकर के पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। बांग्लादेश रिलेटेड अगर हम लोग डिस्कशन कर लें अगर हाल फिलहाल की कुछ न्यूज़ को, तो याद रखे रहेगा आप लोग कि अभी हाल फिलहाल में अपने वहाँ पर जो बांग्लादेश है, कोवैक्स की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मैक्सिमम वैक्सीनेशन हुई है, आप लोग कह सकते हो हाईएस्ट रिसिपेंट कोविड वैक्सीन का अगर कोई देश बनाए तो वो बांग्लादेश है, ठीक है। लास्ट ईयर जब कोविड वैक्सीन सप्लाई करनी शुरू करी थी कोवैक्स ने, तो सबसे पहले वो बांग्लादेश को ही सप्लाई भी करी थी, और जो हाईएस्ट रिसिपेंट भी हुआ है कोविड वैक्सीन का वो भी बांग्लादेश है। बहुत ही तेजी से इन्होंने इसमें ये भी करी थी, आप लोग कह सकते हो बहुत ही तेजी से इन्होंने कोपअप भी किया था और अपने वहाँ पे सभी जनता को तेजी से इनोक्यूलेट करना शुरू कर दिया था। फिर इसके साथ में आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि जो बांग्लादेश है, कुछ दिन पहले बांग्लादेश के साथ में बोंगो सागर इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था, ठीक है। बोंगो सागर कहाँ पर हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी जो आपसे पूछा जा सकता है। एक और चीज़ थी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज, तो ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज तो बे ऑफ बंगाल में हुई थी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बोंगो सागर कहाँ हुआ था, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में इसको कहाँ किया गया था? एक और भी चीज़ ध्यान रखे रहना, इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं तो एक और बात कर ही लेते हैं। साउथ एशिया में वुमेन ऑन बोर्ड लिस्टेड कंपनीज में टॉप करने वाली आपकी बांग्लादेश है, ये रिपोर्ट IFC और ढाका स्टॉक एक्सचेंज की आई थी, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अब ये बहुत ही शानदार और बहुत ही लंबी चौड़ी खबर है, मैं 2 मिनट के लिए बस गायब होती हूँ, फिर वापस आती हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। देखो अब जैसे आप लोग देख सकते हो 118th इंडिया पाकिस्तान की बायलेटरल मीटिंग हुई है इंडस वाटर ट्रीटी पे, ठीक है, होनी है ऐसा बताया जा रहा है। बेसिकली आए ये लोग वाघा बॉर्डर से और 1 जून 2 जून तक ये कंप्लीट करके वापस जाएंगे, ठीक है। मैं आज जब पढ़ रही थी इस न्यूज़ को तो मैं सोच रही थी अरे इतने दिन तक क्यों रुकेंगे, फिर मैं रियलाइज़ करी ओ इट्स जून ऑलरेडी, तो इतने दिन तक नहीं रुकना इन्हें। खैर देखो थोड़ी हम लोग इस पे रिलेटेड थोड़ी सी बातें कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चंस बनने के कंपैरेटिवली ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। देखो भाई एक तो ये साउंड वाला दिक्कत बहुत बड़ा हो रहा है, साउंड नहीं आती है। खैर चलो, कुछ दिन पहले मार्च में अगर मैं आपसे बात करूं तो आज से 3 महीने पहले तो हुआ ना मार्च, हाँ, तो 3 महीने पहले अभी एक 117th मीटिंग की गई थी। क्या की गई थी? 117th मीटिंग की गई थी, ये मार्च में हुई थी आपकी। और जो ये मार्च में मीटिंग की गई थी, इस मीटिंग में काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, बेसिकली इस मीटिंग की क्या हाइलाइट्स थी या क्या किया गया था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी हाइड्रोलॉजिकल और फ्लड डेटा है, सबसे पहले तो वो डिस्कस किया गया, कौन सा, हाइड्रोलॉजिकल और फ्लड डेटा, सबसे पहले तो इन दोनों एजेंडाज को डिस्कस किया गया था आपस में, ठीक है। फिर एक इन लोगों का अपना फजिल का ड्रेन है, उसको भी डिस्कशन किया गया था, ठीक है। पाकिस्तान ये कह रहा था कि भाई हम लोग हर एक वो करेंगे, हर एक एक्शन लेंगे फजिल का ड्रेन के लिए, ताकि जो भी फ्री फ्लो है फजिलका ड्रेन का सतलज में वो होता रहे, उसकी वजह से प्रॉब्लम ना आने वाली। टेक्निकल डिस्कशन भी की गई थी। मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ चेनाब रिवर वाला बात, तो मैं उस टाइम पे जैसे हमने रैटल पढ़ा तो मैं आपको तब भी बताई थी कि 3-4-5 इधर जो है अपनी हाइड्रोपावर्स वगैरह बन रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखो टेक्निकल डिस्कशन की गई थी, पकलदल, कीरू और लोअर कन्हाई, ये ऑनगोइंग इनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं इस पर, ठीक है। तो एक आपका पकलदल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली उधर के रिवर मरुसुदर और इधर ये ट्रिब्यूटरी होता है चिनाब का जो इस पर आता है, कीरू भी आपका चिनाब पर होता है, साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करते हैं लोअर कन्हाई तो ये भी आपका चिनाब पर होता है, ठीक है। ये आप लोगों को सब मिलेगा, घबराना नहीं। मैंने क्या क्या नाम बोले हैं वो जरूर याद रखे रहना, एक होता है आपका पकलदल, फिर एक होता है आपका
कीरु और एक होता है आपका लोअर कलनई, ठीक है। तो ये तीनों जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस पे भी डिस्कशन की गई थी जब 17th हो रही थी आप लोगों की, ठीक है। अब ओवरऑल ये किया क्यों जाता है, अपने वहाँ पर एक परमानेंट कमीशन है इसकी, क्या है, परमानेंट कमीशन है, काहे की परमानेंट, इंडस कमीशन। तो ये बायलैटरल कमीशन है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऑफिशियल्स होते हैं। बनाया गया था ताकि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की ये ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की, इसको सही तरीके से क्या किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके दोनों दोनों ही कंट्रीज के बीच में। और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो एक और बात, अब हमने इतनी बात करी, एक और बात याद रखिएगा कि जो कमीशन है इस ट्रीटी के अनुसार कम से कम एक बार तो मिले ही मिले पूरे साल भर में, कभी एक बार अल्टरनेटिवली मिलेगी, यानी कि एक बार इंडिया में फिर एक बार पाकिस्तान में, इस तरीके से कम इन्हें मिलना चाहिए। बाकी अपने जितना मैंने उतना मिलो भाई हो तुम लोग, ठीक है। खैर, इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं, वही आप लोग कह सकते हो कि दोनों गवर्नमेंट जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे से रिलेटेड वो डिस्कस कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, टेक्निकल विजिट अरेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल होता है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है, अगर हल्की सी हम लोग इसकी बात कर लें, तो ये ट्रीटी जो है ये बताई थी कि जो इंडस रिवर सिस्टम होता है, इसके छह रिवर्स हैं, इन छह रिवर्स को कैसे शेयर किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कितने रिवर्स, छह रिवर्स, इन छह रिवर्स की शेयरिंग कैसे होगी इंडिया पाकिस्तान में। इन्होंने कहा था कि हम तीन वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दे रहे हैं। कैसे याद रखोगे आप लोग, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद है ना, वैसे याद रखे रहना, ICJ पाकिस्तान, विचार, इंडस, चिनाब एंड झेलम, इंडस, चिनाब एंड झेलम, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को चली गई, बाकी के जो आपके तीन ईस्टर्न रिवर्स हैं, ठीक है, ये हो गया आपका SBR, RBS, BRS, जैसे आपका मन हो वैसे याद रखो, मुझे लगता है SBR से आपके लिए आसानी होगी। तो याद रखिएगा सतलज, ब्यास और रावी, ये तीनों आ गई भारत को। तो इस ट्रीटी के हिसाब से कहा जाता है कि इन तीनों का एक मतलब सही तरीके से शेयरिंग होगा, और 80% जो इस शेयर का है आपका मिलियन एकड़ फीट, ये पाकिस्तान को चला गया था, जबकि 33 MAF था वो अपने भारत में आ गया था, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली किया गया था। अब काफ़ी सारे इसको लेकर के राइट ओवर रिवर्स की बात होती है, ऑब्जेक्शंस होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हमें इतने डीप में नहीं जाना, हमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो डिस्कशन करनी होगी, ठीक है। तो चलो, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, अब ज़रा हम लोग आगे बढ़ते हैं बाकी बातों को लेकर के। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को कोई दिक्कत दुख परेशानी नहीं होगी इतनी बातों को जान करके, मैं ज़रा वापस आ जाऊँ। हाँ, तो देखो भाई, अभी ये आपकी 117th हुई थी, तब वो काफ़ी सारी बातें हुई थी कि हाँ मैं ऐसा करना है, अब फिलहाल में 118th की बात हो रही है, ठीक है। तो 118th है, अब आज या कल में वो ख़त्म हो जाएगी, वापस चले जाएंगे, तो उसकी भी पूरी रिपोर्ट आएगी कि इस बार की जो परमानेंट कमीशन है इनकी एनुअल रिपोर्ट क्या है, इन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया आपस में, वो पूरी रिपोर्ट बन करके आएगी, फिर उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, मोस्ट रिसेंट जो आपका था ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, जो 117 था ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। मार्च में इंडिया और पाकिस्तान मिले थे, कमिट किए थे, 5 मेंबर पाकिस्तानी टीम आई थी, ठीक है, US में 2-day डिस्कशंस के लिए। इंडस टॉक्स जो है कहा जा रहा है ये फोरनर है, काफ़ी ऐसी बातें हैं। अब जब ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तब अपन लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, जब कल आएगी न्यूज़, ठीक है। अभी हमारे लिए समझना ज़रूरी था, आज आप लोग समझ लियो, कल उसे हम लोग पूरा कर भी लेंगे, ठीक है। फिर देखो भाई, झारखंड को WHO का अवार्ड दिया गया है टोबैको कंट्रोल के लिए, ठीक है। टोबैको कंट्रोल, बीड़ी, इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी ऐसा लगता है, हालांकि लोगों के अंदर बहुत कम क्षमता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता है, इतनी सारे तरीके भी हैं, निकोटीन है, क्या क्या तो है कि छोड़ दो, लेकिन नहीं कर पाते हैं लोग, मतलब एक बार लत लग गई तो लग ही जाती है, मैं खुद ही देखती हूँ। खैर, देखो बातें करते हैं अपन लोग, झारखंड को क्या दिया गया है, WHO का अवार्ड दिया गया है। तो हर साल हमारे वहाँ पे जो 31st of May है, इसको हम क्या ऑनर करते हैं, 31st of May को हम लोग अपने वहाँ हर साल मनाते हैं नो टोबैको डे। कब से मन रहा है, 1987 से। क्यों मनाया जाता है, ताकि लोगों को जो मतलब ये लत लगती है उसको कम किया जाए। कम करने का रीज़न यही है, क्योंकि बताया जाता है ये मोस्ट प्रिवेंटेबल डेथ का एक कॉज होता है, ठीक है, जो प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं अपनी लत की वजह से, ठीक है। हर साल लगभग 80 लाख लोगों की डेथ होती है टोबैको की वजह से, और इस 80 लाख में से 1.35 अपने देश के 1.35 मिलियन ये इंडिया के इंडिया को बिलोंग करते हैं। मतलब सोचो कि 80 लाख लोगों में से इतने लोग ऐसे होते हैं जो अपने देश के हैं, जिनकी डेथ होती है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखे रहो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ होती है। प्लस आपको याद रखना होगा कि अगर हम बात करते हैं टोबैको किस काम का है, किसी काम का नहीं है,
चलो एक तो टोबैको हो रहा है, अब उसकी खेती करने के लिए भी तमाम ज़मीन है जो लोग एक्वायर करते हैं उसकी खेती करते हैं, तो वो भी मान लो भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको ला करके भी क्या काम कर रहे हो, लोगों की जीवन ही तो ख़त्म कर रहे हो, तो वो तो कोई काम का हुआ नहीं। फिर जो उसके बचते हैं लास्ट में टुकड़े, उसको फेंक दिया जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से देखे गए हैं। जैसे आप लोग कह सकते हो एमिशन ऑफ GHG बढ़ेगा आप लोगों का, ठीक है, बनाने बनाने का जो आपका वाटर यूजेज है वो वेस्ट ही हो रहा है, वो आपका बढ़ ही रहा है। इसके साथ में आप लोग कह सकते हो कंटेमिनेशन हो रहा है सॉइल और वाटर का, वो सब आप लोग फेंक दे रहे हो, उसको जलाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है उससे बहुत हार्मफुल गैसेस भी हो रही हैं। फिर कह सकते हो डिफॉरेस्टेशन, कुछ भी अच्छा तो हो नहीं रहा, सब बेकार ही है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, सब बर्बाद है, इसको छोड़ दो, ठीक है, अगर लोग समझ जाएं तो। इसी के लिए नो टोबैको डे आता है। अब ऐसे थोड़ी ना बोल देगा WHO कि भाई ये तो बहुत बर्बाद है, नहीं, वो अपनी तरफ से ये डे ऑर्गेनाइज करता है। इस डे में वो बताता है क्या क्या इसकी बेकार चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या इसके अंदर बुराई हैं, कैसे आप लोग इसे छोड़ सकते हो। और अगर कोई ऐसा कुछ किया होता है, जैसे कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है या कोई सरकार है किसी देश की, तो अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया होता है इसे कम करने के लिए, उनके उस एक्शन को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है। इस साल झारखंड को अवार्ड दिया गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड को चुना है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 के लिए। जो भी स्टेट का एफर्ट रहा है टोबैको यूजेस कम करने के लिए, इसलिए दिया गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाएगा स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल के द्वारा टू ऑनर ऑन द वर्ल्ड नो टोबैको डे। जो कोवेटेड अवार्ड है ये ऑनर किया गया स्टेट गवर्नमेंट की अचीवमेंट को टोबैको यूजेज अपने वहां पर कम करने के लिए। की पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे आता है, पहला रिपोर्ट जो था उसमें बताया गया था कि जो झारखंड है 2012 में यहाँ पे स्टेट टोबैको प्रिवेलेंस रेट 51.1% था और 48% इसमें के स्मोकर्स थे। फिर GATS 2 हुआ, इसमें बताया गया कि जो टोबैको यूजर्स हैं स्टेट में ये घट करके 38.9% हो गए थे, 35.4% वो थे जो स्मोकलेस टोबैको यूज़ कर रहे थे इस टाइम पर। इफेक्टिव प्रोग्राम्स लाए गए हैं ताकि रीच आउट किया जा सके इंडिविजुअल्स तक, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो सरकार उनकी मदद भी करती है, ठीक है। फिर ये भी कहा गया कि साइमल्टेनियसली जो टोबैको का यूजेस था झारखंड में वो कम हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, और लिमिटेशंस लगा दी गई हैं टोबैको के यूज़ में, तो इस वजह से इनको ये अवार्ड किया गया, ठीक है। अच्छा, आप लोग याद रखिएगा कि इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या बन सकता है, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये इस बार का थीम था, ओके। अच्छा, यहाँ भी देख लो भाई, अवार्ड फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे, अ मैक्सिमम ऑफ 6 वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड विल बी गिवन टू ईच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जोन। 2 ऑफ द ऑनरीज मे एडिशनली रिसीव पार्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम WHO डायरेक्टर जनरल थ्रू द डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन। ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एजेंसी और अ मिनिस्ट्री मे बी नॉमिनेटेड फॉर द प्राइज इफ दे हैव मेड अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोबैको कंट्रोल। ओके, चॉकलेट का सिगरेट बेस्ट है मैम, चॉकलेट का सिगरेट मतलब उसको स्मोक करने से चॉकलेट फील होता है, मुझे पता नहीं है, मैं कभी स्मोक नहीं कर रही हूँ थैंकफुली, लेकिन अगर ऐसा तुम लोग कह रहे तो होता होगा। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, कनाडा सरकार ने एक नया लेजिस्लेशन पास किया है, ठीक है, कि जो हैंड गन्स होती हैं इसके ओनरशिप को फ्रीज कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा लॉ है कनाडा के लिए। अभी आप लोगों को पता होगा टेक्सास की किलिंग हुई थी, ठीक है, आप लोगों को शायद याद हो टेक्सास US के अंदर किलिंग की गई थी, और कहा जा रहा है कि अभी तक का डेडलीस्ट किलिंग था, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे जो कि मारे गए इसके अंदर, ठीक है। तो US हो गया, कनाडा हो गया, पहले ऑस्ट्रेलिया भी हुआ करता था, ये लोग बहुत इजीली गन्स दे देते हैं, गन्स देते हैं ताकि लोग अपने आप को सेफ फील करें। अब जैसे वहाँ पे जो वाइट पॉपुलेशन है उसका तो यही कहना है कि भाई गन तो ज़रूरी है हमारी सेफ्टी के लिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गन्स आप दे रहे हो तो लोगों की प्रोटेक्शन पे भी ध्यान दो, क्योंकि लोगों की प्रोटेक्शन नहीं हो रही है। पहली बार नहीं ऐसा हुआ US में, इसके पहले भी हो चुका है कई बार। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आतंकी नहीं होता ये सब करने वाला। सबसे बुरी बात यह है कि किसी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई कमी हो, उसे बचपन से लोग इतना बोल देते हैं उसकी कमी के बारे में, उसे इतना रियलाइज़ किया करा दिया जाता है कि आपके अंदर क्या कमी है, कि वो बुली बन जाता है एक टाइम पर आकर के, वो खुद से और पूरे समाज से नफरत करता है। और वो उसको कैसे निकालता है, वो उसे निकालता है गन से।
हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन यूएसए में इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। यूएसए का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन उसका सेकेंड अमेंडमेंट है, जिसके हिसाब से कोई भी 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति है उसे बहुत आराम से गन दे दिया जाता है, तो वहाँ पर बहुत ईजिली मिलता भी है लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब सब लोग कहते हैं कि ठीक है भाई गन दे रहा हो, लेकिन प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी तक इसके प्रोटेक्शन पे कोई वर्क नहीं किया गया है, अभी तक वही हिसाब चल रहा है इन लोगों का, कुछ ऐसे खास नहीं किए जा रहे हैं। स्कूल में किलिंग होना या ऐसे नॉर्मल किलिंग होना ऐसे चल ही रहा है। कनाडा ने टेक्सास वाली इवेंट को देखते हुए कह दिया है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फर्दर हैंड गन्स को फ्रीज करने वाले हैं। हैंड गन मतलब जो आप एक हाथ से चला सकते हो, ये हैंड गन हो गई आपकी, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हम लोग हैंड गन को बैन कर देंगे, इसकी सेलिंग, इसकी बाइंग, इनके जो इम्पोर्ट्स वगैरह हैं इसको हम अब ख़त्म करने वाले हैं, ताकि लोग नॉर्मल इसको यूज़ ना कर पाए। और इसमें भी कहा गया है कि जो आप लोगों को पते होंगे इनके अंदर जो आपके वो आते हैं मैगजीन्स भरे जाते हैं ना, जो इसके अंदर बुलेट्स के अंदर मैगजीन्स होते हैं, तो कहा गया है कि इनकी कैपेसिटी भी 5 पे बैन लगा दिया गया, यानी कि अगर कोई बड़े कैपेसिटी वाला रख रहा है तो उसे बंद कर दिया जाएगा, 5 से ज़्यादा मैगजीन्स कोई नहीं लोड कर सकता है, प्लस हैंड गन, ये दोनों के दोनों क्या किए जाएंगे, दोनों के दोनों वहाँ पे पास किए जाएंगे, ताकि ऐसा कोई अब यूज़ ना कर सके, ठीक है। कनाडा ने ऐसा किया है, यूएस क्या करता है भगवान जाने, क्योंकि यूएस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब ये कहा जा रहा है कि यूएस में ऐसा नहीं करने का रीज़न होता है कि वहाँ पे लोग सेफ नहीं फील करेंगे, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं करने का ये थोड़ी ना रीज़न है, यूएसए पूरी दुनिया भर को दे रहा है, तो अपने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, तो वो सरकार को पर्सुएट करती हैं या प्रेशर बनाती है कि आप ऐसा मत करो, और इस वजह से वहाँ की सरकार ऐसा कोई लॉ नहीं ला पा रही है। तो ये बहुत ही गलत बात है, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कोई बड़ा फ़ायदा हो रहा है उन लोगों को ऐसे किसी लॉ से, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि एक तिहाई पॉपुलेशन के पास में अगर गन का लाइसेंस है, वो गन लेके चल रहा है, क्या ही सेफ फील कर रहा हो। प्लस अमेरिका वगैरह में आप लोग देखते भी हो, किसी को बुली किया जाता है तो इतना, मतलब मुझे नहीं पता हर जगह ही किया जाता है, लेकिन अमेरिका में जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं बहुत ही बुरी तरह से बुली करना, किसी को बार बार रियलाइज़ करना कि तुम कराना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, उसके माइंड पे क्या असर होता होगा, वो बिल्कुल अकेला है। तो अभी जो किया गया है, ये किलिंग की गई थी, ये साल्वेडोर रेमोस के द्वारा की गई थी, जिन्हें बचपन से बहुत बुली किया गया था। वो पहले निकले अपने घर में मारे हैं एक व्यक्ति को, उसके बाद वो स्कूल में जा करके फायरिंग किए हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों को मारा इन्होंने, और यही था इनका भी मतलब कि ये बुली किए जाते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है वहाँ की, जिसको ख़त्म करना चाहिए, ऐसे लॉ को भी लाना चाहिए यूएसए को भी, ताकि ऐसा कुछ किया जा सके, ठीक है। खैर, तो अब कोई हैंडगन परचेज नहीं कर सकता है, परचेज और सेल पे बैन हो चुका है, लार्ज कैपेसिटी वाली मैगजीन को बंद कर दिया गया, सिर्फ 5 मैगजीन ही अलाउड होंगी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। सही बात है, यूएसए हम लोग बोलते हैं कि यूएसए ऐसा है वैसा है, बहुत ही वाहियात मुझे अब लगने लगा है, जब से रशिया वाला मैटर हो गया तब से तो मुझे और ही बर्बाद लग रहा है। खैर, ये देख लो भाई, कनाडा के पास जो है स्ट्रॉन्गर गन ओनरशिप लॉ है यूएस के कंपैरिजन में, गन कंट्रोल सपोर्टर हैव कैंपेन फॉर टफर रेगुलेशन इन रीसेंट ईयर्स इन द वेक ऑफ नंबर ऑफ मास शूटिंग्स इंक्लूडिंग इन 2017 अटैक ऑन क्वेबेक मॉस्क दैट किल्ड 6 वर्शिपर्स AR-15 वेपन which was used by shooter to murder 26 adults and children in the Sandy Hook tragedy in US in 2012 and drug a mini. ये सब वहाँ पर already ban है. Long gun magazines will also be permanently changed so that they can never store more than 5 rounds and the sale and transfer of large capacity magazines would be prohibited. ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा. These are very 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 important. कनाडा के बारे में आप लोग ये देख लीजिएगा, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ये कंट्री आपकी नॉर्थ अमेरिकन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल साइज विद अ टोटल एरिया ऑफ 9,984,670 स्क्वायर किलोमीटर, फॉलिंग बिहाइंड रशिया एंड जस्ट एजिंग आउट चाइना एंड यूएस। कैपिटल क्या है? ओटावा। लार्जेस्ट सिटी टोरंटो। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच। करेंसी कनेडियन डॉलर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सोल लैंड बॉर्डरिंग कंट्री होती है यूएस की, जिसके साथ ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर भी शेयर करती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, एनीवे, आई होप तुम लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। चलो अब एमसीक्यूज अपन लोग देख लेते हैं आज के क्या क्वेश्चन थे। KK recently passed away at 53. From what profession does he belong to? Poet, writer, singer or actor? On which date World Milk Day 2020 is celebrated this year? May 30, May 31st, 1st of June or 2nd of June? Which country has recently won first ever medal at IBSA Judo Grand Prix? IBSA ka full form bhi likhna sir. Germany, India, China or Russia? देखना क्या पूछा है। वन द फर्स्ट एवर मेडल
Recently, President Ramnath Kovind inaugurated 59th Mahadivation of Akhil Bharatiya Ayurved Mahasammelan, in which state it was inaugurated? Jharkhand, Madhya Pradesh, Gujarat, or again Madhya Pradesh? Public sector bank have doubled their net profit during the financial year. What is the combined net profit? 56,000 crore, 70,000 crore, 31,000 crore, or 66,500 crore? Border Coordination Conference is to be held between which two countries at Sylhet by Inspector General BSF Regional Commander BGP? India, Pakistan, India, Bangladesh, Israel, USA, and or Russia and India? Which edition of India-Pakistan bilateral meeting on Indus Water Treaty to be held? 16th, 115th, 117th, 118th? Which state has got WHO award because of state's efforts to reduce tobacco uses? Odisha, Karnataka, Jharkhand, or Uttarakhand? Which country has introduced new legislation to freeze handgun ownership? Bangladesh, Canada, Australia, or New York? So, this was your session today. कल वाले अपने जो क्वेश्चंस थे उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो सबसे पहला हिंदी जर्नलिज्म डे कब होता है हर साल, तो कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था 30th of May, ठीक है? और हमारे वहां पे फादर ऑफ जर्नलिज्म, इंडियन जर्नलिज्म किसे कहते हैं? जेम्स ऑगस्टस हिकी, इनको भी याद रखे रहना। 1780 में वो बंगाल गजट जो है लेकर के आए थे। खैर, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया है किस साल तक के लिए? फिनेंशियल ईयर 26 तक के लिए 13,000 करोड़ की एलोकेशन के साथ में। कौन से स्टेट को जो है, अच्छा ये रहने ही दिया जाए, इसका कोई सेंस नहीं है। विच अथॉरिटी हैज लॉन्च पब्लिक डैशबोर्ड फॉर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन? तो ये लाने वाला कौन था? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कब लॉन्च किया गया था इसे? 2018 में। देन परम आनंद सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया किस IIT में? इसको कमीशन किया गया था गांधी नगर के अंदर, ठीक है? थोड़ा आगे जा रहा है आज सब कुछ है, एक मिनट, सॉरी। नेशनल AI पोर्टल सेलिब्रेट किया कौन सी एनिवर्सरी? सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया 28th of May 2020 को लॉन्च हुआ था। किन्होंने लॉन्च किया एक पोर्टल ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके प्रोसेस टीचर एजुकेशन का? ये आपके बेसिकली NCTE ने किया था, ठीक है? ये हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर वाली चीज़ है, कल मैं आपको पूरा समझा दूंगी। कौन सा बैंक PSU लेंडर चार्ट में लोन ग्रोथ में टॉप किया है? ग्रोथ वाइज इट वॉज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विच बैंक किसने रिसेंटली टॉप किया था फॉर्च्यून 500 लिस्ट को, ठीक है? तो हाईएस्ट पेड CEO की बात हो रही है, पूरा होना चाहिए था क्वेश्चन। द आंसर विल बी व्हाट? यस, दैट वुड बी एलन मस्क, ठीक है? $29.5 बिलियन के साथ में, ठीक है? किसने इंट्रोड्यूस किया है? बीमा रत्न, LIC ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? चलो, ये हमारा कल के सेशन के क्वेश्चन हो गए। अगर आपको कोई दिक्कत दुख परेशानी हो तो आप लोग अपनी दिक्कत दुख परेशानी बताइए, उस पर वर्क किया जाए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक एक बार ही लाइक कर दो, बिकॉज आज बहुत ही कम लाइक है सेशन में, एज फार एज आई कैन सी बहुत ही कम लोगों का लाइक है, ठीक है? तो एक एक बार ही लाइक कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैव अ ग्रेट डे। एंड रिमेंबर, इफ यू वॉन्ट टू बाय एनी कोर्स ऑन ऑलिव वर्ल्ड, यूज कूपन कोड SVSHMIT। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लव यू, बाय बाय।